नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी जो परिस्थिति बनी हुई है वह तूफानी परिस्थिति बनी हुई है, झंझावत की तूफान और झंझावत की अवस्था बनी हुई है। अभी महामारी का दौर थमा ही नहीं है कि ताउते आ टपका है। ताउते क्या है? ताउते का नाम, ताउते कैसे पड़ा, कैसे इन चक्रवातों का नाम पड़ता है, कैसे इनका नाम और कौन देता है इनके नाम, किस तरीके से पढ़ता है, उस चीज को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ये जो ताउते अपन पढ़ते हैं, इसे ताउते कई जगह आप ताउते क्योंकि के साइलेंट होता है तो ताउते और ताउते ऐसे चलते हैं नाम। और इसका ये जो ताउते नाम है वो इस बार दिया है म्यांमार ने, म्यांमार द्वारा इसका ताउते नाम दिया गया है। म्यांमार ने दिया है क्योंकि म्यांमार में एक छिपकली पाई जाती है जो बहुत तेज आवाज करती है। उस छिपकली को, उस छिपकली का नाम है गैको। इस ताउते का जो शाब्दिक अर्थ निकलता है वह गैको अर्थ होता है, और वह गैको अर्थ जो होता है वह इस छिपकली के लिए प्रयुक्त होता है। और इस छिपकली बर्मी भाषा का यह शब्द है ताउते, और इसका अर्थ होता है गैको। इस छिपकली के आधार पर इसका नाम यह दिया गया है। इन चक्रवातों के जो नाम है वो अलग अलग, हर बार अलग नाम होते हैं। आपने सुने होंगे निसर्ग, अम्फान, ये सारे नाम अलग अलग चलते हैं। तो ये नाम कैसे चलते हैं, देखिए। जो WMO है यानी संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग एशिया, और प्रशांत पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन PTC, इनके अंदर जो है अभी वर्तमान में 13 देश सदस्य हैं। कितने हैं वर्तमान में? 13 देश सदस्य। प्रत्येक देश 13 नाम देता है। कितने नाम देता है? प्रत्येक देश 13 नाम देता है। टोटल जो है 169 नाम इनके द्वारा तय किए जाते हैं, जो आने वाले तूफानों के नाम अलग अलग देशों के नाम पर होते हैं, अलग अलग देशों द्वारा दिए हुए होते हैं। 2018 तक इसमें 8 देश थे और 8 देशों द्वारा 8 नाम दिए जाते थे, तो 64 नाम थे। 2018 के बाद में इसमें 5 देश और जोड़ दिए गए और अब हो गए हैं 13 देश। 13 देश कौन कौन से? उसमें भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। इन 13 देशों द्वारा ये चक्रवातों के नाम दिए जाते हैं। इनमें भी दो तरह के होते हैं, एक तो होता है चक्रवात, एक होता है प्रति चक्रवात। अब ये क्या होते हैं, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन, ये अपन रेगुलर क्लासेस में पढ़ेंगे। कौन से घड़ी की दिशा के अनुसार चलते हैं, कौन से घड़ी की दिशा के विपरीत चलते हैं, कौन से ज्यादा नुकसान करते हैं, कौन से कम नुकसान करते हैं। अब इसमें ऐसा है कि कुछ चक्रवात जो होते हैं वो तटों से टकरा कर या तटों पर थोड़ा सा प्रभाव डालकर समुद्र में विलुप्त हो जाते हैं, और कुछ तूफान जो होते हैं वो मैदानी इलाके तक पहुंच जाते हैं। अब ये ताउते के बारे में कहा जा रहा है कि यह चक्रवात भारत के मैदानी इलाकों तक पहुंच सकता है और तबाही मचा सकता है, यह इतना पावरफुल है। और इसी के बारे में इसलिए कहा जा रहा है, यह रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करवा सकता है। अब इसके बारे में देखिए, एक बात और है कि आपने पहले पुराने कुछ पिछले सालों के तूफानों के नाम सुने होंगे, जिनमें से आपके अम्फान, निसर्ग, अम्पन, ये निसर्ग जो है बांग्लादेश द्वारा दिया गया नाम है, अम्पन थाईलैंड द्वारा दिया गया नाम है, फानी भी बांग्लादेश द्वारा दिया गया नाम है, जो एक सांप के नाम पर इनका नाम होता है, महासेन जो है श्रीलंका द्वारा दिया गया नाम है, महासेन वहां के एक राजा थे लेकिन ये विवादित हो गया नाम, क्योंकि वहां की जनता द्वारा और प्रजा द्वारा, लोगों द्वारा कहा गया कि महासेन जो है उन्होंने शांति का काम किया था श्रीलंका के अंदर, बहुत ही शांति प्रिय राजा थे, और ऐसे भयावह तूफान का नाम उनके नाम पर देना बिल्कुल गलत है। तो फिर सरकार ने क्या किया वहां के, और वहां पे उन्होंने क्या किया, इसका नाम बदलकर बाद में रख दिया VRU। ये 2013 में यह तूफान आया था। तो इन ये जो नाम है, भारत भी जो है, भारत देश जनता से कई बार इस समय में इस संबंध में राय भी लेता है कि क्या नाम देना चाहिए। इन नामों को बहुत ध्यान में रखकर नाम दिए जाते हैं कि जिससे किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हो, और इसके बाद में जो है आने वाले तूफानों के नाम इनके नाम पर दिए जाते हैं। आने वाला जो अगला नेक्स्ट जो भी चक्रवात होगा, जो भी अगला तूफान होगा, उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा यास, और वह दिया जाएगा ओमान द्वारा। इस तरीके से ये जो है इन तूफानों के नाम दिए जाते हैं, और अलग अलग देशों के द्वारा आप हर बार देखते हैं कि हर बार अलग अलग तूफान कैसे आते हैं, कभी नीलम आ गया, कभी निसर्ग आ गया, कभी अम्फान, कभी अम्पन, कभी ये, कभी वो। तो ये सारे नाम इस तरीके से दिए जाते हैं, और आने वाले जो कहते हैं कि 169 तूफानों के नाम जो है अभी तय किए जा चुके हैं, और इस तरीके से जो इनके नाम आएंगे, और इस तरीके से ही नाम अलग अलग देशों के नाम पर नाम दिए जाते हैं। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।